हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हया ईमान। आज हम एमसेट केमिस्ट्री के थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज़्यादातर वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, इसलिए बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पहले दिखाना चाहूँगी। सो यहाँ पे आयुपैक नेमिंग में आता है फर्स्ट रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स एंड देन प्रीफिक्सेस। सो रूट वर्ड इज नंबर ऑफ कार्बन्स। सो इसके लिए एक निमोनिक है, दैट इज MEP। दिस इज मैप, BPH, देन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यू शुड रिमेंबर दिस। दिस इज मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ओके, हेप्ट हमने भूल गया है। और देन ऑक्टा, नैनो एंड डेका। दीज आर रूट वर्ड्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन। सो दिस इज प्राइमरी सफिक्स, इट शोज दैट वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बाउंड आता है, सो एल्केन। अनसैचुरेटेड इज डबल बाउंड एंड ट्रिपल बाउंड। एल्कीन, एल्काइन, ट्रिपल बाउंड इज एल्काइन। देन कम्स टू द सेकेंडरी सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आते हैं। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। सो ये है सिम्बल्स। अगर कार्बन चेन में ये सिम्बल्स में से जो भी आपको फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है, उसके लिए हम ये नेमिंग सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे कि अल्कोहल होगा तो ओल यूज़ करेंगे, एल्डिहाइड होगा तो एल, और कीटन होगा तो ओन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक, अमाइन होगा NH2 होगा तो अमाइन यूज़ करेंगे। सल्फोनिक एसिड, इसमें से मोस्ट कॉमन जो आने वाले हैं वो है अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्टार्टिंग के सिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कॉमनली यूज होते हैं। नेक्स्ट कम्स इज टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी कार्बन एटम, थर्ड वन इज टर्शियरी एंड फोर्थ वन इज क्वार्टरनरी। दैट इज सिंपल, मतलब जहाँ पे एक कार्बन एटम के साथ एक बाउंड है, 3 हाइड्रोजन है, दैट इज प्राइमरी। एंड जहाँ पे एक कार्बन एटम के साथ दो बाउंड्स है, दो हाइड्रोजन एटम्स है, दैट इज सेकेंडरी। एंड द थर्ड वन इज जहाँ पे 3 बाउंड्स है, दैट इज टर्शियरी। और यहाँ पे 4 बाउंड्स है कार्बन एटम के साथ विद नो हाइड्रोजन एटम, दैट इज क्वार्टरनरी। सो हम लोग अब एक एग्जाम्पल ले लेंगे। इसमें सारे एग्जाम्पल्स में मैंने 3 कार्बन एटम्स लिया है, जिसका रूट वर्ड होगा प्रोप। सो एग्जाम्पल्स में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ डबल बाउंड, सिंगल बाउंड को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे एक चेन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, फर्स्ट वन इज प्रोपाइल। सो यहाँ पे एक सिंगल, ये चेन कंटिन्यू हो सकेगा उसलिए एक सिंगल बाउंड छोड़ दिया है। सो वैसे ही मिथाइल, इथाइल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे एक बाउंड छोड़ दिया जाता है जो कंटिन्यू हो सकता है, उसको आइल गैस से रिफर करते हैं, अल्काइल ग्रुप होता है वो। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोपेन। सो यहाँ पे सारे सिंगल बाउंड्स है एंड कार्बन एटम्स आर 3, सो प्रोप एन। एंड द नेक्स्ट वन इज एक डबल बाउंड है, सो हम लोग डबल बाउंड को फर्स्टली रिफर करेंगे, ये होगा प्रोपीन। प्रोप क्योंकि 3 कार्बन्स हैं एंड इन क्योंकि डबल बाउंड है। सेम लाइक दैट, 3 कार्बन्स प्रोप एंड द ट्रिपल बाउंड इज आयन, सो प्रोपाइन। सो ये आपको क्लियर हो चुका है सिंगल बाउंड डबल बाउंड को कैसे रिफर कर सकते हैं। होप यू विल बी डूइंग दिस। मैं आपको ऑर्डर समझा दूंगी कि कौन से बाउंड का कितना बाउंड लेंथ होता है। सो बाउंड लेंथ ऑर्डर इज CC का सिंगल बाउंड इज मोर, हैव मोर बाउंड लेंथ देन C डबल बाउंड C एंड हैव मोर बाउंड लेंथ देन C ट्रिपल बाउंड C। सो ये ऑर्डर आपको याद कर लेना है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड। सो सिंपल है, क्योंकि इसमें सिंगल बाउंड है, इसका बाउंड लेंथ ज़्यादा होता है, और इसमें डबल बाउंड है, थोड़ा कम बाउंड लेंथ होता है। एंड C ट्रिपल बाउंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
सी ट्रिपल बॉन्ड सी. सो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि टेरिशरी ब्यूटाइल अल्कोहल में टेरिशरी कार्बन्स कितने हैं. सो आपको फर्स्ट लिख लेना होगा कि टेरिशरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है. टेरिशरी इज सिंगल कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है. सो फर्स्ट वी शुड राइट सी, ऐसा लिख लेना है. फिर नेक्स्ट ऐड कार्बन एटम्स, मतलब जितने भी वैलेंसी आप हाइड्रोजन्स लगा सकते हैं उतने लगाकर. देन दिस इज टेरिशरी ब्यूटाइल, सो दिस वन इज ब्यूटाइल. देन ऐड अल्कोहल टू इट, सो टेरिशरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया. इसमें टेरिशरी कार्बन्स कितने हैं. सो टेरिशरी कार्बन इज ओनली वन बिकॉज इट ओनली हैज थ्री कार्बन एटम्स अराउंड. सो आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसमें सिंगल कार्बन एटम है. सो लेट स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल. सपोज आपको ऐसे कार्बन चेन दी गई है, सो आपको इसका लिखना है. सो फर्स्ट यू कैन गिव नंबरिंग 1, 2, 3, 4 फॉर द लॉन्ग चेन. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच इज पॉसिबल इन दिस. सबसे लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करने के बाद में यू शुड एड कार्बन एटम्स. फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सो फर्स्ट कार्बन एटम के पास कुछ नहीं है, थ्री हाइड्रोजन आ सकते हैं. सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम. सेकेंड कार्बन एटम के पास एक चेन है, सो हियर इट विल बी CH3. थर्ड कार्बन एटम के पास और एक चेन है, दैट इज CH3 एंड हियर ऑल्सो इट कैन बी CH3. सो ये थ्री बाउंड्स आ गए, सो एक हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाएगा. यहाँ पर भी सिंगल हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाएगा. नाउ हाउ यू विल बी नेमिंग दिस, कैसे नेम दोगे. दिस इज 1, 2, 3, 4. फर्स्ट हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, रूट वर्ड इज ब्यूट. इन द लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन एटम्स है, 4. सो ब्यूट. नेक्स्ट 10. दिस इज सिंपल नेमिंग. अब ये कहाँ जाएगा, आपको डाउट आया होगा. सो दिस इज 2, 3. यू हैव टू नेम दिस लाइक 2, 3. कितने मिथाइल्स है, डाइमिथाइल दो है, इसलिए डाइमिथाइल ब्यूटेन. सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ये हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे. सो इस एग्जाम्पल में सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो आपको नजर आ रही है वो कंसिडर कर सकते हैं आप लोग. दिस कैन बी द लॉन्गेस्ट चेन. लॉन्गेस्ट चेन में आप जो कंसिडर कर रहे हो उसमें ये डबल बाउंड या ट्रिपल बाउंड होता है, उसको ज़्यादा रिफर करना है. सो 1, 2, 3, 4, 5. नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस, मतलब जहाँ पे डबल बाउंड या ट्रिपल बाउंड हो वो साइड से नंबरिंग स्टार्ट करना है आपको. सो 1, 2, 3, 4. सो हम इसको एक ऑर्डर में लिख लेंगे, लाइक सी, फाइव सीज है यहाँ पे, तो 5C. फर्स्ट सी के पास डबल बाउंड है, सेकेंड सी इज नॉर्मल, थर्ड सी के पास डबल बाउंड है, फोर्थ फिफ्थ इज नॉर्मल. यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड थर्ड कार्बन के पास इथाइल ग्रुप है, सो सी एंड अनदर सी, CH3CH2. एंड फोर्थ कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप है, सो दैट इज CH3. नाउ नेमिंग दिस सिंपल फॉर्म में आ चुका है ये, इसको कुछ भी ज़्यादातर वो नहीं है. सो नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स लिख लेंगे. सो यहाँ पे 3 के पास है 3-ethyl, नेक्स्ट इज 4-methyl pent, 5 कार्बन है इसलिए pent, एंड 1, 3 बिकॉज यहाँ 3 के 1 एंड 3 के पास डबल बॉन्ड है, डाइईन. सो द नेम इज 3-ethyl, 4-methyl pent, 1, 3-diene. दिस इज द IUPAC नेमिंग. आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे और सीरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए सारे नोटिफिकेशंस के लिए.